हो गया क्या? हो गया स्नान? कैसा लगा? अच्छा लगा, ठीक है फिर राधे राधे बोलो। सर महादेव के दर्शन करने के बाद में हम चले हैं हाईवे रोड से। अब हाईवे रोड से आगे की तरफ निकलेंगे, यहाँ पर स्वभावती का हम दर्शन कराएंगे आपको आप शाम तक, उसके बाद में आगे चलेंगे। देखो जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, कीर्तन की व्यवस्था की हुई है। डॉक्टर्स की भी सुविधा है यहाँ पर, अभी यहाँ से हम टर्न करें। देखो आपके सामने दो रोड जा रही है, ये दो रोड है, एक रोड जाएगी इसके अंदर डायरेक्ट आगे काफी खेड़ा की तरफ, दूसरी रोड जाएगी स्वभावती की तरफ। अब हम आपको स्वभावती लिए चलते हैं, तो स्वभावती जाएगी रोड, उसी रोड पे लिए चलते हैं। ये रोड है, ये रोड जा रही है, स्वभावती रोड जा रही है, इसमें हम आपको स्वभावती के दर्शन कराएंगे। और स्वभावती के दर्शन करने के बाद में हम आपको लिए चलेंगे खाकी खेड़ा, तो खाकेड़ा से फिर हम आपको कल ले चलेंगे निमड़ी घाटी, कल दिखाएंगे हम आपको। अरे स्वभावती के लिए, स्वभावती का रास्ता वो पत्थरों वाला नहीं है, एकदम मिट्टी है, मिट्टी वाला रास्ते से हम जा रहे हैं। देखिए आप कितने श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एकदम हाँ, अब देख रहे हैं एकदम कच्चा रास्ता है, ये मिट्टी वाला नहीं है, न पहाड़ है न वो रहा है, यहाँ पर स्वभावती के लिए जा रहा है, कच्चा रास्ता है एकदम। पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर पहाड़ी है। जगह जगह पानी की व्यवस्था कर रखी है खेत वालों ने, गांव वालों ने, और चाय पानी की व्यवस्था है। काकी खेड़ा जाने के लिए हमें थोड़ी सी ये रोड भी नसीब हुई है, आप देख रहे हैं डामरीकरण की रोड है, इस रोड से चल कर ये गोरिया आता है, गोरिया से गोरिया वाली NH 11, उस पर ये NH 11 पर ये काकी खेड़ा, यहाँ से अब हम आपको लिए चलेंगे। पहले मिट्टी से रास्ता था, अब मिट्टी रास्ता पार करने के बाद में हम चले हैं डामरीकरण की रोड को, इस रोड से चलेंगे मनवार। इधर से आप पहाड़ का देख रहे हैं,
देख रहे आप आराम से। उसके बाद में ये रोड है, रोड से चल रहे हैं सब आराम से। उसके बाद में हम आपके लिए हम आगे का रास्ता आपको फिर बताएंगे आगे के लिए। कैसा लग रहा है आपको है? आप स्वभावती पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? ये स्वभावती है, स्वभावती में आपका दर्शन करा रहे हैं। स्वभावती हम आप पहुंच गए हैं कि आप देखिए स्वभावती का मनोहर दृश्य पहाड़ों के बीच में है। ये यही है स्वभावती, पहले हम आपको दिखा रहे हैं। यही है स्वभावती जहाँ हम आपको लेके चल रहे हैं, अब उस स्थान पर हम पहुँच गए हैं। ये है स्वभावती। जगह जगह स्टार लगाए हुए हैं, मेडिकल की सुविधा, यहाँ पर मेडिकल की सुविधा है, सब जगह सब खाने पीने की व्यवस्था की हुई है। किसी को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसकी सारी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। आप देख सकते हैं ये मेन रोड के ऊपर स्थित है। ये देखिए आप स्वभावती धाम है, यहाँ पर ऐसी ऐसी व्यवस्था कर रखी है जो आप देख सकते हैं। स्वभावती धाम है, अब हम आपको आगे लिए चलते हैं इसके अंदर। गंगा जी का मंदिर आगे है, प्राचीन कुंड श्री गंगा माता का। तो फिर पूरा काट दे, ये सामने लेडीज कुंड है, देखिए जाके ये बंदर देख रहे हैं आप कितने ज्यादा हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं यहाँ पर गौशाला है, गौशाला आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखो ये अंदर गौशाला है, देखो ये गाय चल रही है, ये गौशाला है। ये जेंट्स कुंड, ये जेंट्स कुंड है, लेडीज कुंड उधर है दूसरी साइड में है। बहुत सारे दोनों के अलग अलग सेपरेट है, जैसे श्री श्याम जी की है ना वैसा ही है, जेंट्स अलग है लेडीज अलग है। तो यह है हो गया आपका स्वभावती धाम।
राधे राधे जी, राधे राधे। सोमा के धाम का पूर्ण जैन था अब कर लिया, अब हम आपको आगे दूसरी जगह लेकर चलते हैं। गंगा माई माता के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, गंगा माई माता के दर्शन करने के लिए। आप भी चलो तक प्राचीन गंगा माई मंदिर। सुभावती के दर्शन आप और हम सब ने किया, इसके बाद में हम प्रस्थान कर रहे हैं खाखा खेड़ा के लिए। खाखा अखाड़ा उसका नाम है, खाखा अखाड़ा, वहाँ पर हम रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग हम नीम की घाटी के लिए प्रस्थान करेंगे, वो हम आपको सुबह दर्शन कराएंगे। अभी हम अगर दिन से पहले पहले, तो अब अंधेरा हो चुका है, अगर पहले पहले पहुँच जाते हैं तो हम आपको खाखे अखाड़ा के दर्शन करवाएंगे, नहीं तो हम आपको सुबह ही दर्शन करवा के फिर नीम की घाटी के लिए प्रस्थान करेंगे। बोले राधे राधे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या भाई साहब? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है क्या? यही होना चाहिए, तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का तो यही सवाल है। यात्रा सुखद रहे आपकी। राधे 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 राधे। ये पहाड़ों के झुरमुट से होते हुए निकल रहे हैं, देखो आवागमन का आप देख रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई स्वभाव होती के लिए जा रहा है, तो कोई स्वभाव होती है वापिस आ रहा है खड़ा के लिए रात्रि विश्राम के लिए। उसके बाद में हम आपको नीम की घाटी के दर्शन कराएंगे। राधे राधे शंकर।